चले ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बात होती है, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही हैं? बेटा लॉयर से। क्यों, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, मैं जरा बिल बनवा रही थी। कम ऑन मम्मा, आपने तो अभी बहुत लंबी उम्र जीना है, अभी से क्या आप वसीयत वगैरह करवा रही हैं? बेटा तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन मैंने लॉयर को बता दिया है अगर तुम अरसलान वसीम से शादी करती हो तो सारी जायदाद डिफरेंट ट्रस्ट में दे दें। व्हाट, आर यू सीरियस? आप एक्चुअल में ये कर रही हैं? हाँ बेटा, मैंने अपने पूरे होशो हवास में ये काम किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, अब या तुम अरसलान से शादी कर लो या फिर अपना स्टेटस मेंटेन करो। मैंने पहले अरसलान पर स्टेटस को तरजीह देकर देख लिया है और उस फैसले को मैं पल पल पछताती हूँ। अगर मुझे कौड़ियों का भी मोहताज होना पड़ा ना, मैं तब भी अरसलान का इंतखाब करूंगी। फरिया, जिंदगी एक मजाक नहीं है। जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं बेटा, वो मोहब्बत से नहीं बल्कि कैश से पे होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझ पे एतबार किया। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था? क्या मतलब, तुम्हें मेरी सच्चाई पे भरोसा नहीं? बिल्कुल है। तो फिर आपकी मम्मी चाहती हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर दूं। व्हाट? मेरे दराज में अभी भी उनकी दवाइयां रखी हैं। मैं बहुत डर गई हूँ फरकान। और देखिए, मैं इस दुनिया में हर शख्स को खो देने का हौसला रखती हूँ, लेकिन अगर बात मेरी औलाद पर आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रुबना, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही कि अगर आप मेरी और अपनी होने वाली औलाद की सलामती चाहते हैं तो मुझे अलग घर लेकर। मैं अब आपकी साजिशी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम जानती हो अगर हम इस घर से चले गए तो क्या होगा? जानते हैं कि अगर हम इस घर में रहते रहे तो क्या होगा? कि मेरी बात का जवाब तो नहीं हुआ। सवाल आपके जवाब का नहीं बल्कि मेरी होने वाली औलाद की सलामती का। तुम जानती हो लुबना, अगर हम इस घर से चले गए तो सामिया भाभी के साथ क्या होगा? कौन उन्हें उनका हक दिलाएगा? भाई और मम्मी फरिया और उसकी मम्मी से शादी की बातें कर रहे हैं, तुम क्या चाहती हो? भाभी सारी जिंदगी ये दाग लेके बैठे कि उनका देवर के साथ चक्कर चल रहा था, लोग उन पे उंगलियां उठाए, बातें कसे, तुम ये चाहती हो? तुमने ये मत भूलो कि कल को हमारी बेटी भी होगी और जब वो पढ़ी होगी तो उससे सवाल नहीं करेंगे लोग। और लुबना एक बात हमेशा याद रखना, औरत पे लगा हुआ दाग सारी जिंदगी रह जाता है और उसके असरात अगली नस्ल तक जाते हैं। तो अपने साथ अपनी औलाद का भी सोचो। और लुबना, मैं तुमसे वादा करता हूं हमारे बच्चों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। क्या लोगी? आप ऑर्डर कर लें। वेटर। हाय, अब नहीं बचूंगी मैं, हाय मैं मर जाऊंगी, मेरी तैयबा को बुला के लेकर आओ। क्या बात है मम्मी, आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाय मैं मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। आप उठें, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, चलें मेरे साथ। हाय मेरे अरसलान का घर खत्म हो गया, मेरी मेरे बच्चे की जिंदगी उजड़ गई, हाय अल्लाह मैं कहाँ जाऊंगी? दस्तखत कर दो अरसलान वरना मेरा मरा मुंह देखोगे तुम।